सब्सक्राइब करें बॉलीवुड न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें टू गेट ऑल द लेटेस्ट गॉसिप्स एंड अपडेट्स ऑन बॉलीवुड। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में अब तक 30 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर है। ये उरी से भी बड़ा आतंकी हमला है। बॉलीवुड ने भी इस भारतीय सैनिकों पर हुए हमले की निंदा करते हुए शहीदों के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, नम बियॉन्ड बिलीफ एट द डस्टार्डली टेरर अटैक ऑन CRPF सोल्जर्स इन पुलवामा। मे गॉड गिव पीस टू देयर सोल्स एंड स्ट्रेंथ टू देयर ग्रीविंग फैमिलीज। विशिंग द इंजर्ड अ स्पीडी रिकवरी। वी कांट लेट दिस बी फॉरगॉटन। अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, हॉरिबल एंड डिस्कस्टिंग एंगर कांट बी पुट इन वर्ड्स। वहाँ अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा, सच टेरेबल न्यूज कमिंग फ्रॉम पुलवामा। Today when people are celebrating love, hate raises its ugly head too. My thoughts and prayers for the martyrs and their families. वहीं बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने भी ट्वीट कर लिखा, My heart goes out for the jawans of our beloved country and their families who lost their lives as martyrs to save our families. रणवीर सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा है, Disgusted at the cowardly terror attack on the CRPF soldiers in Pulwama. My sincere condolences to the families of our brave jawans, saddened and angry. Priyanka Chopra ne tweet kar likha, Absolutely shocked by the attack in Pulwama. Hate is never the answer. Strength to the families of our martyred jawan and CRPF soldiers injured in the attack. Uri star Vicky Kaushal ne likha, Deeply saddened and shocked to hear the news of the terror attack in Pulwama. My heart goes out to the families of brave CRPF soldiers we lost today and praying for the speedy recovery of those injured. वहीं उरी फेम मोहित रैना ने भी हमले को कायराना बताया। उन्होंने लिखा, Rest in peace, brave sons of India. When will they realize there is no freedom because there is no slavery? Just being played by few self-centered greedy people with malicious intentions. Loss of life is just pure loss of life. Hope someday sense will prevail. इन्हीं सेलेब्स की तरह और भी कई सारे सेलेब्स ने अपने गुस्से को ट्विटर के ज़रिए बताया है। आप भी आपकी राय हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे CRPF के जवान शहीद हुए। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं है, अपने स्टुपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ वरना जनता सड़क पर उतर कर जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इतनी रात को लाइव आने का एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। 40 और ये लोग हमारी हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। आज जो हम लोग चैन से सोते हैं, जो हम लोग एकदम लापरवाह घूमते हैं बिंदास, ये इनके वजह से है। और ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के फादर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मतलब यार ये समझ क्यों नहीं रहे कि इस्लाम के नाम पे ये इस्लाम का सहारा लेके ये दहशतगर्द उनके कंधों पे रख के दहशत की दुकान चला रहे हैं। अरे जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो और हमारे फौजियों की लाशें बिछी हो, और अल्लाह की राह हो ही नहीं सकती है, ना तुम्हें 70 पूरे मिलेगी, सीधा तुम जहन्नम में ही जाने वाले हो। मेरे अल्लाह ताला ने कहा, कुरान में भी लिखा है, ये जो बेगुनाह लोगों की जो जाने ली जा रही है इसका जवाब देना पड़ेगा।
और आज हम सब हिंदुस्तानियों को एक होके इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनकी आत्मा को शांति दे, इनके घर वालों को सब्र दे। और ओ नरेंद्र मोदी जी, कहां है आपके वो वादे के एक सर के बदले 10 सर? नहीं चाहिए हमको आपके 15 लाख रुपए, नहीं चाहिए हमको विकास, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, हमको चाहिए बदला, हमारे ये फौजियों की जान का बदला, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आज बहुत तकलीफ भी हो रही है, बहुत शर्म भी आ रही है कि हम लोग हमारे घरों में आराम से बैठे हैं और वहां पे जब उनके घर वालों को पता चलता होगा, उनके फोन आता होगा कि भाई आपका बेटा या आपका पति शहीद हो गया है। पर ऐसे शहीदों को चुपके सलाम करने को भी दिल करता है कि आप लोग रियल हीरो हो और आप लोगों की वजह से हम लोग जिंदा है और हम लोग सांस ले पा रहे हैं। अल्लाह आपको जहां भी हो आपको बहुत बहुत सुकून पहुंचाए और आपके घर वालों को बहुत हिम्मत दे। दुआ में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह में स्वाद रखना।